हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वाले वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ टेस्टी पोटैटो समोसा रोल्स, और वहीं पे साथ ही में इसके कुछ अलग डिज़ाइंस भी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और बहुत ही सिंपल रेसिपी भी है, बहुत ही खाने में मज़ा आएगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा जैसे बनता है वैसे, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है ना ये खाने में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तो रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो आलू ले रखे हैं। इनको मैंने अच्छे से बॉईल करके उनके छिलके वगैरह मैंने निकाल के इनको साफ करके ले लिया है। साइड में मैंने यहाँ पे आटा पहले से ही गूंद के रख दिया है। तो ये गेहूं का आटा है, मैंने इसको अच्छे से गूंद के ले लिया और इसको रेस्ट के लिए भी रख दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। अब साइड में मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले रखा है। उस प्लेट में अब मैं यहाँ पे जो आलू है उसको कद्दूकस करके ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे दोनों आलू को मैं ऐसे ही कद्दूकस करके ले लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से कद्दूकस करके ले लिया है। देखिए, दोनों आलू को मैंने यहाँ पे अच्छे से कद्दूकस करके ले लिया है। अब आलू के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल के ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच। अब मैं इसमें सब्जी मसाला पाउडर डाल देती हूँ 1 चम्मच। अब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दूँगी 1 चम्मच। अब मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून आधा चम्मच में इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा मिर्च। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च का यहाँ पे पाउडर डाल देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से नहीं तो सब क्रिस्पी हो जाएगा। मैं इसमें 2 टीस्पून डाल देती हूँ, यहाँ पर 2 चम्मच। अब मैंने हाथों से अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। यहाँ पे देखिए, डो मैंने यहाँ पे बना के रेडी करके ले लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लोहे तोड़ के ले लूँगी और इसको सबसे पहले हाथों से ही अच्छे से गूंद लूँगी। नॉर्मल रोटी जितना लेते हैं वैसे ही लेना है। और यहाँ पे सूखे आटे पे मैं अभी यहाँ पे लगा लूँगी ताकि जो प्लेटफॉर्म पे चिपके ना। अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से बेल के ले लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे बेल लेना है। ये देखिए, ऊपर आटा लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, अच्छे से मैंने इन्हें बेल करके ले लिया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसके बीच में ना एक छोटी सी कटोरी रख दूंगी कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे चारों तरफ से आलू लगा के ले लूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसे लगा के ले लेना है। यहाँ पे देखिए, चलिए वैसे करके मैं चारों तरफ लगा लेती हूँ सिवाय इस को छोड़े। यहाँ पे देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पे इन्हें फैला करके ले लिया है, ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे उस कटोरी को यहाँ से निकाल लेती हूँ और इन्हें सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे मैं काट के ले लेती हूँ। ये देखिए, आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो अच्छे से लाइंस मैंने काट के मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इन्हें अच्छे से काट के ले लिया है। अब मैं इन्हें अच्छे से फोल्ड करके ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से। हल्के हाथों से इन्हें रोल करके ले लूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको साइड में रखती जाऊँगी और ऐसे ही करके बाकी पे मैं बनाते जाऊँगी। मैंने यहाँ पे रोल्स बना के रेडी कर लिया था। तेल भी मैंने यहाँ पे साइड में गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर भी चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी लोही का टुकड़ा डाल देती हूँ। और ये देखिए, डालते ही कैसे ऊपर आ गया है, इसका मतलब कि तेल जो है ना वो हमारा अच्छे से यहाँ पर गर्म हो गया है। अब मैं इन्हें अच्छे से निकाल के ले लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर अब मैं इन्हें फ्राई करके ले लेती हूँ। अब हम इन्हें मिक्स करके ले लेते हैं।
ये देखिए कैसे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं इनके कलर, गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से हमें फ्राई करके ले लेना है। सच में बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और हेल्दी भी है ये, सिंपल भी है ये बहुत रेसिपी, तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैंने इसको बनाया था तब ये 2 मिनट में ही ख़त्म हो चुका था। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं यहाँ पे इन्हें दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करके ले लेती हूँ, और ऐसे करके अब सेकेंड बैच में मैं फ्राई करके ले लेती हूँ। इन्हीं के साथ में मैंने यहाँ पे दूसरे डिज़ाइन भी बनाए हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड बैच को भी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। इन्हें भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके ले लूँगी अच्छे से। सेकेंड बैच भी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होके फ्राई हो चुका है, अब इसे भी मैं दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करके ले लेती हूँ। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ अलग डिज़ाइन भी बनाए थे, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से राउंड वाले शेप की भी बना रखे हैं। इनकी भी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी किसी अगले वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब मैं इन्हें भी फ्राई करने के लिए तेल में डाल देती हूँ, और इन्हें भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके ले लेते हैं। अब ये भी हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, चलिए अब इसे भी निकाल के साइड में रख देते हैं, और इसी तरह अब मैं सारी चीज़ें ऐसे ही फ्राई करके ले लेती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी आलू का रोल्स बनके रेडी हो चुके हैं, पटैटो समोसा रोल्स जो हैं ये हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, और आप इसे सॉस के साथ और मिर्ची के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितना इजी तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही नई रेसिपी आपके लिए लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए खाते रहे और मस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।